पुलवामा में शहीद सैनिकों की आत्म शांति के लिए हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में पुजारी वर्ग के द्वारा पूजा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भाग लिया। इस मौके पर भाजपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष शर्मा भी मौजूद रहे। पुजारी वर्ग ने मां से कामना की कि प्रधानमंत्री को माता शेरावाली शक्ति प्रदान करे, ताकि वे दुश्मनों का डटकर मुकाबला करके अपने शहीदों की शहादत का बदला ले सकें। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा और पुजारी वर्ग ने 2 मिनट का मौन रखा और मां के दरबार में शहीदों की आत्म शांति की प्रार्थना की। इस मौके पर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि पुलवामा की घटना का दुख सभी को है और हमारे देश के सैनिकों के परिवारों के साथ साथ पूरा देश खड़ा है। भाजपा सरकार साथ खड़ी है और भाजपा ने शहीदों के सम्मान के लिए सरकार व संगठन ने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि शहीदों के नमन के लिए हर बूथ पर अब कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पिछले कल पुलवामा में घटी आतंकवादी घटना अत्यंत दुखद है और पूरा देश इस घटना पर स्तब्ध है। हमारे शहीद सैनिक जो हैं उनके साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी सरकार खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने आज उन शहीदों के सम्मान में आज अपने सारे संगठन और सरकार के कार्यक्रम स्थगित किए हैं। आज उन शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना सभाएं और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके उनके आत्मा को शांति मिले ये कामना की जाएगी और उनके सम्मान में कोई भी कार्यक्रम ना तो संगठन का ना सरकार का पार्टी आयोजित करेगी, ताकि उन शहीद सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट किया जाए। और हमें पूरा विश्वास है कि इन शहीद सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं।